सीटेट जुलाई 2023 का जो सिलेबस है पेपर वन का, पेपर वन है क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तक, जिसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, इसको CDP भी बोलते हैं, कई जने इसको साइकोलॉजी भी बोल देते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे, दो डिवीजन है, 15 क्वेश्चन की और 15 क्वेश्चन की। सो मैं कंटेंट रीड नहीं करूंगा, यहाँ पर लाके रख दूंगा, आप खुद इसको रीड कर लोगे। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पार्ट, यहाँ से बी पार्ट शुरू होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, लर्निंग एंड पेडागॉजी 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये क्वेश्चन पेपर इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी पेडागॉजी जो होगी उस पर यही लर्निंग थ्योरीज प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स जो हैं अप्लाई होंगे। इसकी PDF नीचे भी दी गई होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ये रहा CDP का पेपर, और दूसरा पार्ट आ गया लैंग्वेज वन, लैंग्वेज वन कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग अनसीन पैसेज टू पैसेज, वन प्रोज और ड्रामा एंड वन पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन इन्फ्रेंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, प्रोज पैसेज मे बी लिटरेरी साइंटिफिक नरेटिव एंड डिस्कोर्सेज। यहाँ पर पोएम, वन पोएम है, ये पोएम जो है फर्स्ट पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट कर देती है, दूसरे में ये पोएम नहीं होगी। दैट इज वाई फर्स्ट वाला जो है प्रेफर कीजिए अपनी मदर टंग को या हिंदी को। दूसरा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसका सिलेबस यहाँ से रीड कर लीजिए। ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन, ओके। लैंग्वेज टू का है, पढ़ भी दूं वैसे कम ही है, लैंग्वेज एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल। मेरे ख्याल में ज़्यादा हो जाएगा, आप खुद पढ़ लीजिए। ये हो गया लैंग्वेज टू, कॉम्प्रीहेंशन टू, अनसीन प्रोज पैसेज, यहाँ पोइट्री नहीं है, यही फर्क है। ये जो हो गए पैसेज, इसमें क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, ग्रामर को अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3-4 क्वेश्चन इसी पैरे में से होते हैं। नॉर्मली वो ग्रामर कई बार कॉमन सेंस से भी यूज़ हो जाती है, अलग से वीडियो होंगे। कई बार आप बिना पैरा पढ़े आपने कैसे जल्दी से राइट आंसर पर पहुंचना, ऐसे पॉसिबल है। हाँ, ऐसे आप 15 में से हो सकता है आप 6-7-8-9 मार्क्स ले लो, लेकिन टाइम आपका बहुत बचता है जो आप बाकी पैसेजेस जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में लगा सकते हो। दैट इज़ वाई ऐसी स्ट्रेटजी को, इस तरह के तरीकों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो लगभग सेम होगा जो पिछले वाला है, यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये होगी तीसरा सेक्शन लैंग्वेज टू। अब आ गया ये पेपर वन का कर रहे हैं, मैथ्स ये भी कंपलसरी है। कंटेंट क्या है, ज्योमेट्री शेप्स, ये आप खुद पढ़ लीजिए। ये रहा आगे ये, ओके, पेडागोजिकल इश्यूज, ये रहे, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन हो गए। और एनवायरमेंटल स्टडी का कंटेंट के 15 क्वेश्चन होंगे, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, वो इनमें से आएंगे। और पेडागोजिकल इश्यूज में से क्वेश्चन आएंगे 15, वो इनमें से आएंगे। हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ऐसे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर टू, जो है क्लास 6th से लेके 8th तक, जिसको एलिमेंट्री स्टेज बोलते हैं, पहली को प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, पहले इसको लोअर प्राइमरी, उसको इसको अपर प्राइमरी भी बोल दिया जाता था। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये क्वेश्चन जो पहले वाला है कंपलसरी है, यहाँ से आप रीड कर लीजिए। ये रहा उसका दूसरा पोर्शन, यहाँ पर ये हो गया, इधर कर लूँ थोड़ा सा, हाँ मेरे ख्याल में ये दिखाई देता है, हाँ ओके है, सॉरी अगर उधर नहीं दिखाई दिया, ओके। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मैं ये बता दूँ कुछ वीडियो मेरे जो हैं टैग वर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड अलग से वीडियो है, सिर्फ उसको देख लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से वहाँ से ही सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा कुछ वर्ड जो रॉन्ग ऑप्शन में डाले जाते हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, बताया गया है कि ये रॉन्ग क्यों होते हैं, और हमेशा जो राइट होते हैं वो दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकोमोडेशन है, मॉडिफाइंग कंटेंट है, मॉडिफाइंग टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज है, तो ये हमेशा में फ्लेक्सिबल करिकुलम है, ये फेवर में होते हैं। हाँ,
इंक्लूसिव एजुकेशन के, तो वो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दिए गए होंगे, वहाँ से इन टैग वर्ड वाले जहाँ हमेशा ही जो राइट आंसर या हमेशा ही जो गलत आंसर होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं उनसे पहचान सकते हो, ये वाले वीडियो आपको देख लेने चाहिए अगर आपके पास टाइम कम है। लर्निंग एंड पेडागॉजी आ गया, 10 क्वेश्चंस, ओके, ये उसका कंटेंट हो गया। लैंग्वेज वन है, रीडिंग अनसीन पैसेज, टू पैसेज, वन फ्रॉम पोज और ड्रामा एंड वन पोयम। ये पोयम वाला पोर्शन जो पीछे रिपीट किया गया है कि फर्स्ट में ही होता है, ये इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, इसी फर्स्ट का पार्ट, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये इसका कंटेंट होगा। 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये रहा मैंने यहाँ कर दिया, ये अब रीड कर दीजिए, मेरे ख्याल में वहाँ रीड हो रहा है, हाँ हो रहा है, यहाँ पर फिट होगा। लैंग्वेज टू का कॉम्प्रीहेंशन, इसमें पोयम नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी और कॉम्प्रीहेंशन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपकी कॉमन सेंस या प्रीवियस नॉलेज काफ़ी है, एग्जैक्ट ग्रामर पढ़ने की सी टेट में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं है कि टच नहीं करना, कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज है, मोटी मोटी वो पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा उस पर जोर मत दीजिए। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि पेडागोजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो लर्निंग थ्योरीज जो बेसिक्स हैं, प्याजे वैगोस्की, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, उनके बेस पर राइट आंसर हमेशा मिलते हैं, ठीक, तो उनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, इसका ये रहा सिलेबस, ये रहा, और मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स का कंटेंट नंबर सिस्टम है, ये टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स एंड साइंस के हैं यहाँ पर लिखा हुआ, और 20 क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल में डिवाइड हो गए, 15 इसके 15 इसके, बाकी जो है पेडागोजी के। एग्जैक्ट डिवीजन ऐसे नहीं होती, नॉर्मली पेडागोजी के थोड़े कम हो जाते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये रहा ज्योमेट्री, पेडागोजिकल इशू, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, ओके, इट मींस मैथ के 20 और 10 पेडागोजी के, और 20 क्वेश्चन पेडागोजी के आपके आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट के आएंगे, 40 में से 20 क्वेश्चन आपके साइंस के, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आएंगे। पेडागोजिकल इश्यूज ये 10 हैं, ये रहे आपके इश्यूज जो होंगे। साइंस हैं, इसके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे कंटेंट के, ये रहा कंटेंट के, और ये कंटेंट के, ये रहा यहाँ 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 20 क्वेश्चन, ओके, बाकी रह गया आपका, इसको साफ कर दे पहले, ये रहा कंटेंट आपका, और इसके बाद ये रहा, और इसके बाद पेडागोजिकल इशू, इसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे, ये इजी होते हैं, ये अपने CDP को ही अप्लाई करना है, ये हो गया। इसके बाद आपके रह गए सोशल स्टडी, अगर आप ऑप्ट ये करते हो, इसके भी 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन कंटेंट के होंगे, कंटेंट को फर्दर डिवाइड किया हो गया होगा, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री में से, 10 इकोनॉमिक्स में से, 10 पॉलिटिकल साइंस में से, और 10 आपके ज्योग्राफी में से, ऐसे होगा। हिस्ट्री में ये रहा, एग्जैक्ट NCERT का ही सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज़ वाई NCERT ही इसके लिए पढ़ लेनी चाहिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार नए क्वेश्चन बनते हैं, पेडागोजी में रिपीट हो जाते हैं, CDP में रिपीट हो जाते हैं, इसमें रिपीट बहुत कम होते हैं। ये रहा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद ये रहा आपका सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसके बाद पेडागोजिकल इशू, 20 क्वेश्चन पेडागोजिकल इशू में, यहाँ से आपसे हाँ फोटो क्लिक कर सकते हो। ये रहा नोट फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8, प्लीज़ रेफर टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स, कह भी दिया है उन्होंने कि इसको इनको पढ़ा जाए। तो ये रहा सिलेबस आपका, इसके रिगार्डिंग एक बार सिलेबस को पढ़ लेना चाहिए। सिलेबस को रीड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको राइट आंसर जनरली कई बार ये हिंट बन जाता है सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर के पेपर, तीसरा अकेले प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं, कंटेंट नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज नहीं, उनको कैसे सॉल्व करना है, 20-30% क्वेश्चन जो है लॉजिकल ट्रिक्स से, रीजनिंग से, कॉमन सेंस से,
जो ट्रिक्स मैंने 12 ट्रिक्स लगभग एनलिस्ट किए हुए हैं उनसे सॉल्व होते हैं। मैं पिछले साल के पेपरों को सॉल्व करूंगा 2023 के जनवरी के और 2022 के पेपर को, उनको मतलब स्ट्रेटजीज कौन सी अप्लाई होती है उसके वाइज वीडियो बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ऑड मैन आउट से कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, है ना, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड से कौन से, ऐसे मेथड बड़े हैं तो वो मेथड अलग से भी आप देख सकते हो, नीचे लिंक दिए गए हैं उनमें से वीडियो देख सकते हो। आपकी कोई सुजेशन एरिया आप समझना चाहते हो, थ्योरी कंसेप्ट प्रिंसिपल को समझना चाहते हो, उसके लिए मुझे ऑर्डर कर सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीर सिंह, थैंक यू।